नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे वेस्ट बंगाल की 6 नंबर की पोजीशन में आने वाली कॉलेज के बारे में। बताएंगे आपको कि इस कॉलेज का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड सागर दत्ता कमराहती मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल में आई हुई है। हम बताएंगे इस वीडियो में कि इस कॉलेज का ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में क्या इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस कॉलेज की सीट मैट्रिक के बारे में। टोटल एमबीबीएस की सीटें 100 है, ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें है वो 15 है और स्टेट कोटा की जो सीटें है वो 85 इस कॉलेज में सीटें है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप ये कॉलेज ऑल इंडिया कोटा के थ्रू देख रहे हैं तो कितने स्कोर पर आपको सीटें मिल सकती है। जनरल की बात करें तो 585 to 590, ओबीसी में है 585 to 590, एससी की बात करें तो 470 to 475 और एसटी में है 485 to 415 इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने रह सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं, उसके लिए इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। जनरल की बात करें तो 545 to 550, ईडब्ल्यूएस में 520 to 525, BCA में 535 to 540 और BCB में है 530 to 535 और SC में है 425 to 430 और ST की बात करें तो 225 to 213 इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना जाएगा। दोस्तों, ये डिटेल थी कॉलेज ऑफ मेडिकल एंड सागर दत्ता कामराहती मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल में आई है। हमने इस वीडियो में बताया इस कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।